जय साथियों, आज हम अपने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के दृष्टिगत हमारा जो खंड है संविधान एवं मूल विधि, उसमें आज हम अपने मूल विधि का जो टॉपिक है उसमें हम भारतीय दंड विधान या आईपीसी के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे इसमें हम आगे बात करेंगे। अभी तक हमने चर्चा की यहां तक कि किनके द्वारा किया गया अपराध, किनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे न्यायिक कार्य की हैसियत से न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, आईपीसी 77। न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में किया गया कार्य अपराध नहीं है, आईपीसी 78। उसके अलावा हमने आईपीसी 82 में देखा, 7 वर्ष से कम बच्चों द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 83 में हमने देखा आईपीसी, ये सब धाराएं हैं, धारा 82, धारा 83। धारा 83 में हमने देखा कि धारा 83 में हमने देखा कि 7 वर्ष, 7 से अधिक, किंतु कम आयु के बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं होगा। और इसमें एक और धारा इसी अनुक्रम में थी, धारा 84 आईपीसी, और यह थी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ये बातें अभी तक हमने अपने भारतीय दंड विधान की पिछली कक्षा में जो मूल विधि सेक्शन के अंतर्गत आती है ये बातें हमने की थी। और हमने चर्चा किया था कि हमारा जो आज का लेक्चर होगा वह होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। क्या नाम है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। साथियों, भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के में जो उपबंध है उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी संपत्ति, इनकी रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अपने शरीर, अपनी जान, अपने प्राण, अपनी संपत्ति की जो रक्षा करने का अधिकार है वही है आईपीसी में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमें अपने प्राण एवं दैहिक रक्षा के लिए या अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए कि कोई घोर क्षति न हो, उसके लिए तरह तरह के जो अधिकार दिए गए हैं वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और हम शुरू करते हैं आईपीसी 99 से कि सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। आईपीसी
धारा 99 किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है? फिर देखेंगे कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले भारतीय दंड विधान की धारा 99 कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। साथियों, भारतीय दंड विधान की धारा 99 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो यह बताती है कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो दायरा है वह इसी धारा के अंतर्गत निर्धारित होता है। भारतीय दंड विधान की धारा 99 यह धारा यह कहती है कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यह बातें 99 में कही जाती हैं। तो आइए देखते हैं हम कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, और जिसमें पहली बात है कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आपके पास जाता है और उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें आपको कोई जान माल का जोखिम नहीं है या कोई घोर उपहति कारित नहीं होती है। यहां मैंने एक नया शब्द प्रयोग किया है, उपहति और घोर उपहति। मैं जरा सा इसकी चर्चा कर लेता हूं फिर इस टॉपिक पर आता हूं, पहले उपहति पर ही चर्चा कर लूं। हालांकि ये साथियों अभी आगे आएगा, लेकिन जब यहां 99 में आ गया है तो मैं एक बार इसकी चर्चा जरूर कर लेता हूं ताकि आप सब इसे समझ जाएं। जो बात है, एक होता है उपहति और एक होता है घोर उपहति। तो अभी हम उपहति और घोर उपहति को सिर्फ शब्दों के माध्यम से समझ लेते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और आगे जब हम भारतीय दंड विधान के आगे 323 में पहुंचेंगे, धारा 323 में, तो बताएंगे कि साधारण चोट या उपहति क्या है और घोर उपहति 325 में बताएंगे कि क्या है। उपहति का अर्थ है साधारण चोट लगना, साधारण चोट, और घोर उपहति का मतलब है गंभीर चोट, गंभीर चोट। उपहति का अर्थ है साधारण चोट और घोर उपहति का अर्थ है गंभीर चोट। तो उपहति और घोर उपहति इसको आप समझ लीजिए, और तब हम आगे चलते हैं भारतीय दंड विधान की धारा 99 में, और ये बताते हैं कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। और जो टॉपिक है, जो बात है, उसमें नंबर एक बात यह है किसी लोक सेवक द्वारा किए जा रहे कार्य
किसी लोक सेवक द्वारा किए जा रहे कार्य जिसमें कोई जान माल अथवा घोर उपहति कारित होने की आशंका ना हो। इसमें साथियों पहली बात कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इसमें जो पहली बात है वो ये है कि किसी लोक सेवक द्वारा किए जा रहे कार्य जिसमें कोई जान माल का जोखिम ना हो और साथ ही कोई घोर उपहति कारित होने की संभावना ना हो। घोर उपहति का अर्थ है कोई गंभीर चोट, जैसे मान लीजिए आपके यहां पुलिस गई, किसी अदालत द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है आपको उपस्थित होने के लिए, और उस नोटिस को तामील कराने के लिए आपका हस्ताक्षर लेने के लिए कोई पुलिस अधिकारी आपके यहां गया, ऐसे में वो जाता है और पुलिस अधिकारी का कार्य है आपसे हस्ताक्षर लेकर आपको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहना। ऐसी परिस्थिति में कोई भी जान माल का जोखिम नहीं है आपको और ना ही कोई घोर उपहति कारित होने की संभावना है, ऐसी परिस्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा कि यदि कोई लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसमें कोई जान माल अथवा घोर उपहति, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, कोई जान माल अथवा घोर उपहति अर्थात गंभीर चोट कारित होने की कोई आशंका ना हो, ऐसी परिस्थिति में आपको कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। इसमें एक अगली बातें और कही गई हैं, दूसरी बात वो लगभग इसी के आधार पर है कि किसी लोक सेवक के निर्देश से किए जाने वाले कार्य, और इसमें भी वही है, जिसमें कोई जान माल अथवा घोर उपहति कारित होने की संभावना ना हो, ऐसे में भी आपको कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी लोक सेवक या लोक सेवक के आदेश से कोई कार्य किया जा रहा है जिसमें जान माल अथवा घोर उपहति कारित होने की कोई आशंका ना हो, ऐसी स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। भारतीय दंड विधान की धारा 99 ये बात कहती है। और इसमें एक बात अभी और है जो है तीसरी बात, तीसरी बात क्या है, यदि लोक प्राधिकारी या समझ लीजिए लोक सेवक की सहायता लेने का पर्याप्त समय हो, यदि आपके पास कोई संकट आता है
और आपके पास उतना समय है कि जिससे आप किसी लोक प्राधिकारी की सहायता ले सके। यदि लोक प्राधिकारी या लोक सेवक की सहायता लेने का आपके पास समय हो तब भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। यह बातें भारतीय दंड विधान की धारा 99 में कही गई है कि भारतीय दंड विधान की धारा 99 में क्या क्या बातें कही गई हैं कि किन मामलों में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। जिसमें एक बात यह है कि यदि लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है जिसमें कोई भी जान माल का जोखिम नहीं है, अर्थात जान जाने की संभावना नहीं है या घोर उपहति कारित होने की आशंका नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा यदि लोक सेवक के आदेश से कोई कार्य किया जा रहा है और उसमें भी कोई जान माल का जोखिम नहीं है, किसी की जान जाने की संभावना नहीं है और साथ ही कोई घोर उपहति कारित होने की संभावना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। और एक तीसरी बात कि यदि लोक प्राधिकारी अथवा लोक सेवक की सहायता लेने का पर्याप्त समय यदि आपके पास हो, ऐसी स्थिति में भी आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। यह बातें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अधीन धारा आईपीसी 99 में ये बातें बतलाई गई हैं कि किन किन परिस्थिति में आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण धारा पर और इस धारा से प्रायः सभी लोग परिचित होंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत भारतीय दंड विधान की धारा 100। आईपीसी 1860 और धारा 100 आईपीसी। साथियों, धारा 100 आईपीसी भारतीय दंड विधान की एक महत्वपूर्ण धारा है और इस धारा के अधीन जो निहित उपबंध है उसके अनुसार यदि आपके ऊपर कोई हमला होता है या किसी धारदार हथियार से हमला करके घोर उपहति कारित करने की कोई आशंका होती है या कोई अगर महिला है और उसके साथ बलात्संग होने की संभावना है, उसके साथ रेप होने की संभावना है या कोई महिला है, लड़की है या कोई पुरुष है, कोई आदमी है, उसके ऊपर तेजाब, आपने प्रायः सुना होगा एसिड अटैक, उसके ऊपर तेजाब फेंका जा रहा हो, फेंका जाने वाला हो या फेंके जाने की आशंका हो, ऐसी परिस्थिति में भारतीय दंड विधान की धारा 100 के तहत भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि हमला करने वाले की मृत्यु तक कर दी जाए। आइए देखते हैं आईपीसी 100 क्या कहती है। आईपीसी 100 के अनुसार किन परिस्थिति में हमलावर की मृत्यु मृत्यु तक की जा सकती है,
अभी तक हमने आईपीसी 99 में देखा था कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा, और आईपीसी 100 कहती है कि धारा 99 में जो निहित उपबंध है उसको छोड़कर, धारा 99 तो यह बात कहता है कि अगर लोक सेवक के आदेश से कोई कार्य किया जा रहा है या लोक सेवक खुद कोई कार्य कर रहा है और यदि उसमें कोई जान माल का जोखिम नहीं है और यदि कोई घोर उपहति कारित नहीं होती है, ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार ही नहीं होगा। और एक बात और 99 आईपीसी में कही जाती है कि यदि लोक प्राधिकारी की सहायता लेने का आपके पास समय है तो भी आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। अब आईपीसी 100 यह बात कहती है कि किन किन मामलों में यदि आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, यदि सबसे पहले आईपीसी 100 में यह समझ लिया जाता है कि आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का यदि अधिकार है, आईपीसी 99 में निहित उपबंधों को छोड़कर यदि आपके पास ऐसा समझा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अधीन किन किन परिस्थितियों में आप हमलावर की मृत्यु तक कर सकते हैं, तो जो जो परिस्थितियां हैं उसमें से परिस्थिति एक, पहली नंबर एक ये है, यदि मृत्यु अथवा घोर उपहति कारित होने की संभावना हो, कारित होने की आशंका हो, यदि हमलावर जैसे कोई हमलावर आपके ऊपर हमला करता है और उसके हमले से यदि आपकी मृत्यु अथवा घोर उपहति कारित होने की आशंका हो, अभी अभी हमने चर्चा किया घोर उपहति क्या है, घोर उपहति का अर्थ है गंभीर चोट। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर अगर तमंचे से फायर होता है या किसी धारदार हथियार से अगर आपके ऊपर हमला होता है, जैसे मान लीजिए तलवार से हमला हो, ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु अथवा घोर उपहति कारित होने की आशंका हो, ऐसी परिस्थिति में आप हमलावर की मृत्यु तक कर सकते हैं। यह प्रावधान भारतीय दंड विधान की धारा 100 में किया गया है। और इसमें एक दूसरी बात कही गई है, यदि किसी महिला से, यह बातें जो भारतीय दंड विधान की धारा 100 के अधीन कही गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः समाज में दुष्कर्म, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, बलात्संग या बलात्संग के प्रयास की जो निंदनीय घटनाएं हैं वो देखने और सुनने को मिलती हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, तो यह चीजें भारत की बेटियों और भारत की महिलाओं को भी यह अपने अधिकार जानना अत्यंत आवश्यक है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्संग, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बलात्संग, यदि किसी महिला के साथ बलात्संग करने के आशय से
हमला होता हो, यदि किसी महिला के साथ बलात्संग करने के आशय से हमला हो, तो महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है भारतीय दंड विधान की धारा 100 के तहत कि महिलाएं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो किया जा रहा हमला है वो बलात्संग के आशय से किया जा रहा है, तब महिलाएं भारतीय दंड विधान की धारा 100 के अनुसार हमला करने वाले की, जो बलात्संग के आशय से हमला कर रहा है, उसकी महिलाएं मृत्यु तक कर सकती हैं। ये बातें आईपीसी 100 में कही गई है। इसमें और अगली बात क्या कही गई है उसको भी हम देख लेते हैं। तीसरी बात, यदि कोई हमला अप्राकृतिक काम तृष्णा, यदि कोई हमला अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से किया गया हो, यदि कोई हमला अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से किया गया है, तो ऐसी भी परिस्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत धारा 100 आईपीसी के अनुसार अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से किए गए हमले पर आप संबंधित व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकते हैं। यह प्रावधान आईपीसी 100 के तहत किया गया है। और इसमें अगली बात क्या कही गई है और चौथी बात उसको भी हम यहां देख लेते हैं। इसमें एक चौथी बात कही गई है, एसिड अटैक। या एसिड अटैक की आशंका जाए, यदि ये एसिड अटैक साथियों ऐसा शब्द है, इससे प्रायः आप सभी परिचित होंगे, फिल्मों में आपने देखा होगा या समाचार पत्रों में अथवा न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा कि इस तरीके के अपराध जो है देश के बहुत सारे भागों में देखने को और सुनने को मिले हैं कि प्रायः किसी महिला पर, किसी लड़की पर या किसी मनुष्य पर चेहरा झुलसाने के आशय से उस पर एसिड अटैक होता है, एसिड से हमला होता है। तो यदि किसी महिला, किसी लड़की, किसी पुरुष पर चेहरा झुलसाने, गंभीर रूप से झुलसाने के आशय से उस पर एसिड अटैक होता है या एसिड हमला होता है, तो ऐसी भी परिस्थिति में भारतीय दंड विधान की धारा 100 आईपीसी के अनुसार आप जिसके ऊपर एसिड अटैक होने की संभावना हो, वह व्यक्ति एसिड अटैक करने वाले हमलावर की मृत्यु तक कर सकता है। यह बातें आईपीसी 100 में कही गई है। अर्थात आईपीसी 100 में क्या क्या बातें कही गई हैं, अब एक बार हम उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि आईपीसी 100 में बातें कही गई हैं कि किन किन परिस्थिति में, एक दो तीन चार, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि यदि मृत्यु या घोर उपहति, या अगर आपको घोर उपहति समझने में कष्ट हो रहा है तो आप इसको गंभीर चोट समझ लीजिए, जैसे
चाकू से हमला हो, तलवार से हमला हो, तो उससे या तो मृत्यु कारित होगी या तो गंभीर चोट घोर उपहति कारित होगी। तमंचे से हमला हो, मृत्यु कारित हो सकती है। तो यदि मृत्यु या घोर उपहति कारित होने की संभावना हो, तब भी आपको आईपीसी 100 के अनुसार यह अधिकार है कि आप संबंधित आदमी की, हमलावर की मृत्यु तक कर दें। दूसरा, बलात्संग के आशय से हमला। यदि कोई हमला बलात्संग के आशय से किया गया हो, तब भी महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बलात्संग से हमला, बलात्संग के आशय से हमला करने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकती है। तीसरा, अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से हमला। यदि आप प्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से हमला होता है, तब भी पीड़ित को यह अधिकार प्राप्त होगा, या संबंधित व्यक्ति को जिसके ऊपर हमला होता है उसको यह अधिकार प्राप्त होगा कि आप प्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से हमला करने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कर दें। और चौथा है, एसिड अटैक होने की संभावना पर। यदि किसी महिला पर, किसी लड़की पर या किसी पुरुष पर चेहरा झुलसाने, चेहरा जलाने के आशय से उस पर एसिड अटैक होता है, एसिड हमला होता है, तो ऐसी भी परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह हमलावर की मृत्यु तक कर दे। यह बातें भारतीय दंड विधान की धारा 100 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन यह बातें कही गई हैं। और यह था प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन भारतीय दंड विधान की धारा 100 के अनुसार किन किन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु तक की जा सकती है, और वो यही बातें हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, बिंदुवार इसको समझिए, गहन अध्ययन करिए, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। यहां से प्रश्न प्रायः लिखित परीक्षाओं में आते रहते हैं, पूछे जा सकते हैं। आगामी जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा है, उसके लिहाज से भी यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक विषय को आप बिंदुवार गहन अध्ययन करते रहें। जो भी बातें आपको समझ में ना आए, उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें। अगर आवाज जो माइक से आ रही है, अगर उसको सुनने में कोई समस्या होती है, आप हमें सूचित करें। जो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर हैं, उन पर आप फोन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी बातें आपको कम समझ में आई या नहीं समझ में आई, उसको भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, और जिसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। और इन बातों को आप पढ़ते रहें। अब हम मिलते हैं मूल विधि की अपनी अगली क्लास में। तब तक आप एक एक चीजों को अध्ययन करते रहें। जैसे ही लॉकडाउन अगर लगता है, तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, वैसे ही आपको फिर परीक्षा देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और परीक्षा जो है बहुत ही त्वरित गति से संपन्न होगी। पद ज्यादा है, 9534 पद हैं उपनिरीक्षक के। आगामी लिखित भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, इसलिए आप एक एक विषयों को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें। जो भी बातें आपके समझ में ना आए, आप अपने टीचर अथवा कोचिंग की मदद ले सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में, भारतीय दंड विधान की जो अगली धारा है उसके साथ। तब तक साथियों, आप पढ़ते रहें, और कोरोना से सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। तब तक साथियों, नमस्कार, जय हिंद।